Hello my beautiful family, I welcome you all once again to my channel. लास्ट ब्लॉग में आप लोग ने देखा होगा कि मैंने आप लोग को एक छोटे से कार्ट के बारे में बताया था जहाँ कुछ यमलीशियस फूड मिलते हैं। नाउ डोंट टेल मी आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है। कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक या अपने वीडियो के ऊपर या एंड में ज़रूर लगा दूंगी। सो आज हम आए हैं सॉल्ट लेक, जहाँ पे अगेन एक छोटा सा शॉप है जो कुछ बेहतरीन कबाब सेल करते हैं, बट इनके पास कुछ और नए वैरायटीज़ भी है। तो हमें क्या करना है, हमें इनके यमलीशियस कुछ स्पेशल फूड्स खाने हैं और आपको बताना है कि ये वर्थ इट है या नहीं। तो फिर देर किस बात की, कम विद मी। दिस पनीर टिक्का वॉज फॉर ऑल माई वेज फूड फैम, क्योंकि मुझे हमेशा कहा जाता है कि दी आप वेज कुछ क्यों नहीं दिखाते, वेज कुछ क्यों नहीं दिखाते। तो ये लीजिए, ये है आप लोगों के लिए पनीर मलाई टिक्का, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी यम। मुझे लगा था कि पनीर शायद ओवर कुकड ही कर देंगे तो ये शायद बहुत रबरिश वाला फील देगा, बट नो, पनीर बहुत ही सॉफ्ट है एंड दे टुक एट लीस्ट 10 to 15 minutes सुकून से इन्होंने अच्छे से इसे पकाया है हमारे सामने, एंड दैट्स वाई दैट फ्लेवर, दैट अरोमा, दैट टेस्ट इज़ एक्चुअली लाइक वर्थ इट। The second dish which I opted is मछली टिक्का। So as you all know कि मुझे experiments करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने last video में एक mutton burger को लेकर experiment किया था। Again I will share the link ऊपर या मेरे video के end में। And यहाँ मैंने fish टिक्का opt किया है। जैसा आप सब जानते हैं कि अगर आपको किसी जगह के खाने के बारे में जानना है तो वहाँ पे आप कुछ ऐसा डिश को ऑप्ट करिए विच इज़ लिटिल चैलेंजिंग। जैसे कि अगर फ़िश फ्रेश ना हो तो उसमें से एक बहुत बुरी स्मेल आती है द मोमेंट आप उसे खाओ। आप चाहे जितना भी उसे अच्छे से प्रिपेयर कर दो, बट इफ़ द फ़िश इज़ नॉट फ्रेश इट विल टेस्ट हॉरिबल। बट यहाँ का फ़िश जब मैंने ट्राई किया, इट वॉज़ फ्रेश, सॉफ्ट था, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड था, सॉफ्ट था, वेल कुक था, एंड अगेन फ़िश को भी उन्होंने अराउंड 10 मिनट्स लगाया है टू प्रिपेयर इन फ्रंट ऑफ मी।
So yeah, it's a small venture, new venture called Kebab Stop in BL82 Salt Lake. मैं description में इस जगह का full details mention कर दूँगी. तो आप लोग अगर यहाँ आ रहे हो, so halt here and try these delicious food for sure. So, अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा 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 सा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग को पता है ना क्या करना है. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मैं ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ फिर आप लोग से मिलूंगी बहुत जल्द. टिल देन आई लव यू ऑल. बाय बाय.